बिहार से बीजेपी के सांसद और सीनियर पॉलिटिशियन शत्रुघ्न शॉटगन सिन्हा बेहद नाराज हैं। अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। ये बगावत किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। बिहारी बाबू ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि तौबा तौबा। जब तक आप बोलते जाएंगे, छुपाते जाएंगे, कारपेट डालते जाएंगे, तब तक आप सुनते जाएंगे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। बगावत का लेवल लफ्जों की तलखी खुद बयान कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में लोकशाही थी और इस जमाने में तानाशाही है। आखिर क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर नेता के सामने बगावत का ये झंडा उठाने के बावजूद एक बीजेपी नेता पार्टी में बना हुआ है और वो भी पूरी ठसक के साथ। कथा जोर गरम है कि बीजेपी शत्रुघ्न सिन्हा को बर्दाश्त क्यों कर रही है। शत्रुघ्न की बीजेपी और पीएम मोदी से नाराजगी कोई नई नहीं है, लेकिन हाल में हुई ममता बनर्जी की महारैली में उनके तेवर नए थे और हमले पहले से कहीं ज्यादा तीखे। ये जाती है देश के लोगों के साथ, क्या मतलब है अचानक रातों रात तुगलकी फरमान देते हुए, तुगलकी फरमान की तरह घोषणा कर दी नोटबंदी की। शब्दों पर गौर कीजिए, तुगलकी फरमान, यानी शत्रुघ्न सीधे आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी और सरकार के लोगों को यकीन में लिए बगैर पीएम मोदी बड़े फैसले ले रहे हैं। चलिए, पीएम मोदी की आलोचना तो वो आड़े टेढ़े शब्दों में पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस मंच से तो उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ कर डाली और वो भी जमकर। जीएसटी जिसको हमारे कांग्रेस के नए अध्यक्ष ने, लेकिन बहुत कामयाब अध्यक्ष ने, जिन्होंने एक साल अध्यक्षता हासिल की उसके अंदर तीन तीन प्रदेश में चमत्कार करके दिखाया, ऐसे हमारे राहुल गांधी जी ने कहा यह गब्बर सिंह टैक्स है। बिहारी बाबू ये क्या कर रहे हैं आप, हमारे कांग्रेस के नए अध्यक्ष? माना कि आप पीएम नरेंद्र मोदी के हमेशा से आलोचक रहे हैं, आप चाय वाला जैसे शब्दों पर तीर चलाते रहे हैं, लेकिन इस बार तो राफेल विमान के ऊपर सवार होकर आपने वो गोला दाग दिया जो राहुल गांधी दागते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कोई दोषी है, लेकिन ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप दोषी नहीं है। अगर इस तरह से आप बात दबाने की और छुपाने की कोशिश करेंगे तो देश की जनता कहेगी वाकई कि चौकीदार चोर है। जब तक जवाब नहीं देंगे, जब तक बिहार की भाषा में आप ठेथराई करेंगे, जब तक आप बोलते जाएंगे, छुपाते जाएंगे, कारपेट डालते जाएंगे, तब तक आप सुनते जाएंगे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। पीएम मोदी के खिलाफ जंग छेड़ने वाले वरिष्ठ बीजेपी नेता और वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे अरुण शौरी को बीजेपी ने अक्टूबर 2015 में डिसमिस कर दिया था। वाजपेयी सरकार में विदेश और वित्त जैसे अहम मंत्रालय संभाल चुके यशवंत सिन्हा को भी नाराजगी के बाद अप्रैल 2018 में पार्टी छोड़नी पड़ी थी। बिहार से सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद को भी अरुण जेटली के खिलाफ बयानबाजी के बाद दिसंबर 2015 में सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन शॉटगन सिन्हा पिछले 5 साल से पीएम मोदी पर लगातार हमलों के बावजूद पार्टी में बने हुए हैं, आखिर क्यों? तीन बड़ी वजहें। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक अगर पार्टी सिन्हा को बर्खास्त कर भी देती है तो वो सांसद बने रहेंगे, ऐसे में वो और आजाद पंछी हो जाएंगे। फिलहाल तो पीएम मोदी को, सरकार को, उसकी नीतियों को संसद के बाहर निशाने पर लेते हैं, फिर संसद के भीतर भी लेंगे। बर्खास्त कर दिया तो वो शहीद की मुद्रा में आ जाएंगे और 2019 के आम चुनाव में पटना साहिब की सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार के रास्ते की बड़ी दीवार बन जाएंगे। यानी सिन्हा की बर्खास्तगी में बीजेपी को नुकसान ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद मोदी जी के मिजाज और तरीकों को जानने वालों को हैरानी है कि शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में बने हुए हैं। हालांकि ममता की महारैली में शत्रुघ्न ने जिस तरीके से बार बार चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है बोला, उसके बाद चर्चा आम है कि अब उनके लिए बीजेपी में बने रहना मुश्किल होगा। अब बीजेपी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ जो सुलूक करे, लेकिन बिहारी बाबू का अंदाज देखकर उनकी एक पुरानी फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, जैसे वो बीजेपी आलाकमान को बोल रहे हों,
आए तो उससे कह देना छेनू आया था।